क्या बालासोर में हुआ ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट एक साजिश थी? क्या जानबूझकर किसी ने की थी सिस्टम से छेड़छाड़? क्या फरार है रेलवे का सिग्नल इंजीनियर आमिर खान? बालासोर रेल हादसे की जांच अब देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि सिग्नल जूनियर इंजीनियर आमिर खान फरार है। उसके घर पर भी ताला लगा है। सीबीआई ने घर को सील करने की कार्रवाई की है। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा आमिर खान पर फूट पड़ा है। लेकिन अंतिम राय बनाने से पहले आपको दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि हमारा कोई भी स्टाफ फरार नहीं है और सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि आमिर खान के घर सील होने की बात पर रेलवे प्रवक्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगर बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग हैं और वो मिसिंग हैं, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट हैं, एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बता दें कि बालासोर में 2 जून को 3 ट्रेनों के टकराने से हुए भीषण हादसे में 292 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश तब दिए जब रेलवे अधिकारियों ने ये आशंका जताई कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। इसके बाद सीबीआई को इस हादसे की जाँच की कमान सौंपी गयी। सीबीआई ने 6 जून से रेल हादसे की जाँच शुरू भी कर दी। जूनियर सिग्नल इंजीनियर आमिर खान के फरार होने की खबरों के बीच लोगों को स्पष्ट सूचना और न्याय की उम्मीद सीबीआई से है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।